हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूँ एलकेजी क्लास के लिए मैथ्स वर्कशीट। इस वर्कशीट की हेल्प से आप अपने बच्चों को घर पर ही बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करा सकती हैं मैथ्स की। बहुत ही इंटरेस्टिंग शीट्स हैं ये, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपने क्या करना है, यहाँ पर कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं और ऊपर एक लाइन में कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं लेकिन उनमें कलर हुआ हुआ है। जैसे 7 में पिंक कलर है, 4 में स्काई ब्लू है, 5 में ऑरेंज कलर हुआ हुआ है, 1 में ग्रीन कलर है और 3 में पर्पल कलर है। तो आपको क्या करना है, जो नीचे नंबर्स हैं उसमें आपको ये नंबर फाइंड करने हैं और जिसमें जो कलर हुआ हुआ है आपको अपने बच्चे से वही कलर उसमें करने के लिए बोलना है या फिर उसके ऊपर शेड करना है। एक तरह से आप बच्चे से ये बोल सकती हैं। जैसे फर्स्ट 7 है तो आप बच्चे से क्या बोलेंगी, जहाँ भी आपको 7 नज़र आता है तो अब आपको उसमें ये पिंक कलर करना है। तो जैसे यहाँ पर 8 5 4 3 6 9 8, ये रहा 7। तो अब हम इसमें इस तरह से कलर कर देंगे। अब 7 10 1 3 6 6 एंड 7, ये अगेन 7। तो अब हम इसे इस तरह से कलर कर देंगे। अब इस तरह से आप बच्चों से बोल सकती हैं करने के लिए। तो इस तरह बच्चे की काउंटिंग्स भी रिपीट होती रहेंगी। 9 1 3 0 5 3 1 5 2, ये रहा 7। तो अब हम इसे अच्छे से शेड कर देंगे या कलर कर देंगे। ओके, तो 7 3 8, अब ये रहा 7। इसे अच्छे से शेड कर देंगे। अगेन 7, ये रहा। तो अब हम इसे अच्छे से शेड कर दें। अब नेक्स्ट है हमारे पास 4। तो 4 क्या करना है, अभी हमें शेड करना है सेम कलर से। तो ये रहा 4, इसे हम ऐसे शेड करेंगे। एंड 4 10 1 3 5 2 एंड 4। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है या फिर वर्कशीट कह सकते हैं आप। तो आप बच्चों से ये ज़रूर कराइए, बच्चे को बहुत अच्छा लगेगा और उसकी अच्छे से काउंटिंग भी रिवाइज हो जाएंगी। फोर, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है, सर्कल द सेट ऑफ पिक्चर्स दैट मैचेस गिवन नंबर। यहाँ पर जैसे कुछ पिक्चर्स ड्रॉ हुई हुई हैं, एक सेट है एक पिक्चर का। जैसे फर्स्ट में यहाँ 5 नंबर लिखा हुआ है और उसके सामने यहाँ पर कुछ पिक्चर्स बनी हुई हैं लेकिन सेट में बनी हुई हैं। जैसे ये एक स्टार का सेट है, ये सर्कल का, ये ट्रायंगल का। तो आपको क्या करना है, ये सेट ऑफ पिक्चर आपको काउंट करना है और जो इस नंबर से मैच होता है उसे आपको सर्कल करना है। जैसे यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर कितने स्टार हैं हम काउंट करेंगे, तो यहाँ पर है 1 2 3। तो ये मैच नहीं हो रहा क्योंकि हमें 5 सेट ऑफ पिक्चर चाहिए। ओके, 1 2 3 4, यहाँ पर 4 है तो ये भी मैच नहीं कर रहा। अब यहाँ पर है 1 2 3 4 5, तो ये मैच कर रहा है तो अब हम इसे सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट क्या है, 7 1 2 3 4 5 6, ये हमारा मैच नहीं कर रहा। नेक्स्ट है 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हमारा मैच कर रहा है तो ये अब हम इस पर सर्कल कर देंगे। अब नेक्स्ट है सीड काउंटिंग। तो यहाँ पर कुछ वाटरमेलन पिक्चर्स बनी हुई हैं और उनके नीचे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। जैसे यहाँ पर बनी हुई है एक पिक्चर तो उसके नीचे कुछ नंबर्स भी लिखे हुए हैं। अब आपको इसके जो सीड्स हैं वो काउंट करने हैं और जो राइट आंसर है उस पर आपको सर्कल करना है। तो यहाँ पर हाउ मैनी सीड्स, 1 2 3 4, तो 3 5 4, तो 4 इज़ द राइट आंसर। तो अब हम इसे सर्कल कर देंगे। अब नेक्स्ट है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, तो 6 7 8, तो व्हाट इज द राइट आंसर, 7। तो 7 को हम सर्कल कर देंगे। इस तरह आप बच्चों को दे सकती हैं वर्कशीट। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द मिसिंग पार्ट। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर एक नंबर लिखा हुआ है 8 और उसके नीचे दो कॉलम्स हैं और उनमें कुछ डॉट्स हैं। अब ये डॉट्स इस नंबर के इक्वल होने चाहिए। दोनों बॉक्सेस के जो डॉट्स हैं उन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे इस नंबर के इक्वल होने चाहिए। तो जैसे यहाँ पर हैं 4 डॉट 1 2 3 4, लेकिन हमें कितने डॉट्स चाहिए, 8 डॉट्स। तो हमें कितने डॉट्स की और ज़रूरत है इसको इक्वल करने के लिए, तो यहाँ पर 4 हैं तो हमें कितने की और ज़रूरत है, 4 की,
जब हम 4+4 करेंगे इज इक्वल टू 8, तो 1, 2, 3, 4। ओके, अब ये हमारे कंप्लीट हो गया पैटर्न। अब नेक्स्ट है हमारा 4, तो यहाँ पर कितने डॉट्स हैं, 1, 2, 3, लेकिन हमें कितने डॉट्स चाहिए, 4। जब हम हमारे पास 4 डॉट होंगे तो हमारे नंबर के इक्वल होंगे 4, तो हमें कितने डॉट्स की और ज़रूरत है, 1 की। तो इस बॉक्स में हम 1 डॉट ड्रॉ कर देंगे। अब नेक्स्ट है 5, तो यहाँ पर हैं 2 डॉट्स, तो अब हमें कितने डॉट्स की और ज़रूरत है, तो 1, 2, 3। तो इस तरह आप बच्चों को दे सकती हैं करने के लिए। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट में क्या करना है, काउंट एंड कलर। तो यहाँ पर एक नंबर लिखा हुआ है और उसके सामने एक कैटरपिलर की पिक्चर ड्रॉ हुई हुई है। तो अब आपको यहाँ पर जैसे 3 है, तो 3 आपको काउंट करना है और जितना नंबर है उतने ही सर्कल में आपको कलर करना है। तो जैसे यहाँ पर 3 है, तो 3 हम काउंट करेंगे और उसके बाद उसमें कलर करेंगे, जैसे 1, 2, 3। अब सिर्फ हमें इन 3 सर्कल में ही कलर करना है। तो इस तरह आप बच्चों को करने के लिए दे सकती हैं। अब नेक्स्ट है 5, तो अब हमें कितना काउंट करना है, 5 नंबर, और उतने में ही हमें कलर करना है, तो 1, 2, 3, 4, 5। तो अब यहाँ पर हम इस तरह से कलर कर देंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5 कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से आप बच्चों को वर्कशीट दे सकती हैं करने के लिए। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।